अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर एमएस वर्ड का मॉड्यूल नंबर 201 देखेंगे। और आपका मैं कोशिश करूंगा ये तमाम तर चीज़ें इसी वीडियो में कवर करने की 234 तक। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मैंने इसकी प्रिपरेशन जो है वो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बेहद इंपॉर्टेंट कंटेंट बाकी सब्जेक्ट्स का भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो तमाम तर सब्जेक्ट्स का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से वो लाजमी जाके वीडियोज़ को देखें, उस लिंक पर क्लिक करें और आपका जो ओवरऑल प्रिपरेशन है वो हो जाएगी इंशाल्लाह। चलते अपनी वीडियो की तरफ। क्या कह रहा है आपको, एमएस वर्ड में आपने कमेंट्स और हेडर और फुटर की एक फाइल देखी होती है। अगर किसी को नहीं पता तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस तरह से आपके साथ जो होता है वो एमएस वर्ड पे एक हेडर और फुटर होता है। इसका बेसिक मतलब होता है कि हेडर का मतलब होता है जो हेड वाली यानी सबसे ऊपर लिखा जाता है, और फुटर का मतलब होता है कि सबसे नीचे जो फुट वाली साइड होती है वहाँ पे लिखा जाता है। तो हेडर और फुटर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ग्राफिक्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। इसको आपने जो है ख़ुद से एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर कर लेना है, ठीक है। अब चूंकि मैं अगर आपको ये सारा पढ़ के दिखाऊंगा तो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूंगा, बाकी आप इसे खुद से रीड आउट कर लें। बाकी इसके स्टेप्स आपने याद रखने हैं, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन स्टेप्स आपसे पूछ सकता है, तो आपने स्टेप्स को जो है वो स्किप आउट नहीं करना। मॉड्यूल नंबर 202 देखें तो ये पार्ट वन है आपका। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट ग्रुप का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो जूम करूं तो देखें यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आया, टेक्स्ट क्विक पार्ट्स आ गया, वर्ड डाट आ गया, तमाम तो चीज़ें आप आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको पढ़ रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है उसको आप लोकेट कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की शेप्स दे सकते हैं। इसके अलावा देखें हाउ टू यूज़ टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स बटन लोकेटेड इन द टेक्स्ट बार वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें आप उससे एकदम रीड आउट कर लें। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा और आप उसे ड्रैग करेंगे और उसके बाद आपने जो भी ऑपोजिट कॉर्नर लेकर आना है वो आप लेके आ सकते हैं। आगे देखिए क्विक पार्ट्स क्या होता है। क्विक पार्ट का मतलब ये होता है कि आप इसके अंदर जो है वो कोई भी लोगो, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है क्विक पार्ट के अंदर आप कोई भी लोगो वगैरह कोई नेम वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैंने हाईलाइट कर दिया है। रीड आउट आपने लाजमी करना है अपने हैंड आउट्स को, तो ये आपने चीज़ें पढ़ के जानी, यहीं से आपके एमसीक्यूज आते हैं, बाकी प्रिपरेशन लाजमी देखें। उसके आगे देखें क्लिक द इंसर्ट बटन ऑन द रिबन, ये भी आपको बता रहा है कि आपने किस तरह से काम जो है वो खुद करना है। वर्ड आर्ट क्या होता है, वर्ड आर्ट का बेसिक मतलब ये होता है जिस तरह ये आपके सामने हो गया, इस तरह से आप अगर किसी भी अपने वर्ड को जिस तरह आप कोई बुक बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल CS101, और आप इसमें से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं उसको, तो CS101 लिखने के बाद आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वर्ड आर्ट पर जाएंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी, और इस तरह की स्क्रीन में आप जाके मुख्तलिफ किस्म के जो शेप्स वगैरह वो दे सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी मॉड्यूल नंबर 203 देखें तो एमएस वर्ड ही चल रहा है आपका, और अब यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप पार्ट टू है। ड्रैग कैप क्या होता है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसे स्किप नहीं करना, ठीक है। तो अ ड्रैग ड्रॉप कैप इज अ स्पेशली फॉर्मेटेड लेटर दैट अपीयर ऑन द एट द बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ जस्ट लाइक यू सी इन द न्यूज़पेपर और इन द बुक्स। तो ड्रॉप कैप ये होता है जो एक बड़ा सा जो सिंबल होता है जिस तरह न्यूज़पेपर के सामने लिखा होता है, मैं अभी आगे जाके एग्जांपल भी इसने दिए उसमें आपको दिखाता हूँ। तो उस तरह के बड़े वर्ड को हम ड्रॉप कैप कहते हैं। सिंबल्स देखें, सिंबल्स का मतलब यहाँ पर ये आएगा कि कोई भी आप एमएस वर्ड के अंदर कोई मैथ टाइप का सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, या इसके अलावा आपने कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखनी है वो भी आपको इसके अंदर मिलती हैं, तो ये तमाम तरह चीज़ें हम सिंबल्स में जो है वो जाकर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसे सिंबल्स कहते हैं। तो ये देखें ये ड्रॉप कैप इसे कहते हैं, जो बड़ा सा वर्ड है पाकिस्तान का जो पी है ये सबसे बड़ा वर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक ड्रॉप कैप है, ठीक है। तो इसे हम जो है वो ड्रॉप कैप कहते हैं। और मैथमेटिकल की जो आप सिंबल अपने असाइनमेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो वो मुझे आपको एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपने वो खुद प्रैक्टिकल किया हुआ है तो वो आपके पास मैथ की एग्जांपल आ जाएगी। मॉड्यूल नंबर 204 देखें तो यहाँ पर एमएस वर्ड डिज़ाइन फेज आ गया। डिज़ाइन फेज में आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने थीम्स वगैरह जो है वो कर सकते हैं, अपना स्टाइल सेट कर सकते हैं, कलर है, फॉन्ट है, पैराग्राफ स्पेसिंग है, इफेक्ट्स हैं, तो ये तमाम तरह चीज़ें आप अपने कहाँ पर करते हैं, आप अपने डिज़ाइन फेज में करते हैं। तो सिर्फ ये एज अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू आपने इसे अच्छी तरह से जो है वो रीड आउट कर लेना है। बाकी फॉन्ट है, कलर है, वही चीज़ें जो कि मैंने आपको अपने मॉड्यूल जिससे प्रीवियस वीडियो 180 तक मॉड्यूल उसके अंदर क्लियर करवाई हुई है, तो वो आपने लाजमी करनी है। पेज कलर देखें तो पेज कलर का मतलब होता है कि आपने अपना पेज को किस तरह से कलर देना है, कोई आप ब्लू कलर देना चाहते हैं, येलो कलर, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप कलर देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे सकते हैं। पेज बॉर्डर का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर
कि कहाँ तक अपना जो टेक्स्ट है वो लिखना चाहते हैं। वाटर मार्क किसे कहते हैं, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। वाटर मार्क आपके जो पेज के पीछे जो लाइन लिखी होती है वो वाटर मार्क कहलाती है आपके पास। इसका बेसिक मतलब आप इस तरह से ले सकते हैं, जिस तरह से वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन मैंने वाटर मार्क अपनी बैक वीडियोज़ पे लगाया होता है, तो इस तरह से आप वाटर मार्क को ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखें 205 को देखें तो क्या कह रहा है आपको, एमएस वर्ड के अंदर पेज सेटअप किस तरह किया जाता है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले मार्जिन है, आपने कितने मार्जिन पे अपना जो है वो टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, इसके अलावा ओरिएंटेशन है, साइज़ आप अपना साइज़ कितना रखना चाहते हैं, आप रोज़ और कॉलम को किस तरह करना चाहते हैं, लाइन नंबर्स वगैरह वगैरह, तो ये तमाम तरह चीज़ें आप इस मॉड्यूल के अंदर पढ़ेंगे। डिस्प्ले टेक्स्ट इन टू कॉलम अगर आपने करना है तो आप किस तरह करते हैं, हाउ टू ऐड कॉलम अगर आप कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, तो तमाम तरह चीज़ें आपकी फाइल में जाके आती हैं। अगर आपको पेपर में समझ नहीं आएगी तो आपने अपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है, आपको ओपन करने की परमिशन होती है। ठीक है, 206 देखें, इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा तो आपने मुझसे कमेंट्स में भी लाजमी पूछ लेना है। एमएस वर्ड में पेज को सेटअप किस तरह किया जाता है, और तो आप लेआउट ड्रिबन में जाएंगे। सबसे पहले लेआउट ड्रिबन में जाके इस तरह की स्क्रीन आपके सामने पर पहुंचेगी, अब आपसे वो पूछेगा लेफ्ट आपने 0 सेंटीमीटर के बजाय कितना रखना है। बाय डिफॉल्ट इस तरह की स्क्रीन आ रही होती है 0 सेंटीमीटर, तो आपने किस तरह आप अगर आप 1 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, सब कुछ आप अपनी मर्जी से जो है वो कर सकते हैं। उसके आगे ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पिछले दफ़ा 2020 में आए हुए हैं, तो ये आपने इस तरह याद करनी है। इसको याद करने से मतलब ये आपने इसको पढ़ लेना है, बाकी काम सारा जो है वो आपने अपना कंसेप्ट खुद से सेल्फ राइटिंग में लिखना है। इंसिडेंट लेफ्ट का मतलब ये होता है कि आपने ऑटोमेटिकली अपडेट किया इंडिकेट किया है हाउ मच इंडेंटेशन हैज़ बीन अप्लाइड टू द पैराग्राफ ऑफ अ करंट सिलेक्शन, यानी कि आपने इंडेंट किया है कि आपने ऑटोमेटिकली किस तरह से अपडेट्स देनी है, और आपका जो करंट सिलेक्शन है वो लेफ्ट वाली साइड पर जाएगा। इंडेंट राइट का मतलब ये होता है कि आपने जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है वो आपके पास राइट के बजाय इस पर लेफ्ट के बजाय राइट पे जाएगा। स्पेसिंग बिफोर का मतलब है कि अगर आप जितनी आप स्पेस देना चाहते हैं, और स्पेसिंग आफ्टर का मतलब है कि आपने पैराग्राफ एक लिख लिया, पैराग्राफ लिखने के बाद आपको कितनी स्पेस जो है वो रिक्वायर्ड है। अब देखिए यहाँ पर दो पैराग्राफ है, मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ तो ये दो पैराग्राफ है और इनके दरमियान कोई भी स्पेस मौजूद नहीं है, तो इस तरह से अगर आप नहीं स्पेस देना चाहते तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने स्पेस नहीं देनी। उसके आगे देखें, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अरेंज ग्रुप इन पेज लेआउट। अब आप यहाँ पर अरेंज करेंगे अपने ग्रुप्स को, तो दिस ग्रुप आल्सो अपीयर ऑन द ड्राइंग्स टूल, ये ड्राइंग टूल पे होते हैं। सबसे पहले पोजीशन होती है, आप पोजीशन में क्या कर सकते हैं, जो आपकी ड्रॉप डाउन कंटेन कमांड होती है उसको दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। रैपिंग करने का मतलब होता है कि अपने टेक्स्ट को जो है वो डिज़ाइन फेस में ला सकते हैं, पोजीशन दे सकते हैं। उसके अलावा आगे देखें वर्ब टेस्ट किसे कहते हैं, इसका मतलब होता है कि आपने अपने टेक्स्ट को जो है वो स्केयर की फॉर्म में, टाइट की फॉर्म में, टॉप एंड बटन वगैरह वगैरह की फॉर्म में, तमाम तरह वर्ब टेक्स्ट में लिखते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब ये होगा कि आपने अपना जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको फॉरवर्ड किया वन लेवल पे। बस आपने नाम से बातों को याद रखना है, ठीक है, ये एक लाइन है एज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद कर लें कि ब्रिंग थिंग्स का मतलब है कि सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड वन लेवल। सिलेक्शन पेन किसे कहते हैं, ये ऐड हुआ था 2010 में एज एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि सिलेक्शन पेन कब ऐड हुआ था, किस ईयर में, तो वो 2010 में हुआ था। ये डिस्प्ले करता है पेन टास्क पेन को, ठीक है। आगे देखें अलाइन का मतलब क्या होता है, ये भी आपके पास लेफ्ट कर सकता है, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप बट डाउन वगैरह वगैरह, तो आप अपने टेक्स्ट को अलाइन वगैरह भी कर सकते हैं। ये भी एक स्पेसिफिक एक बाय डिफॉल्ट नेम है जो कि आपके एमएस वर्ड में मौजूद होता है। रोटेट का मतलब होता है कि आप अगर आपने अपनी कोई भी पिक्चर को रोटेट करवाना है, कोई आपने डायग्राम को रोटेशन करवानी है तो आप करवा सकते हैं। ग्रुप का मतलब ये होगा कि आपने कोई भी ग्रुप करना है और ग्रुप आप कर सकते हैं अपनी कमांड्स के तहत, या आपने अपने टेक्स्ट को रीग्रुप वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें एमएस वर्ड में रेफरेंस रिबन क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि अब आपने क्या करना है, अगर आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं कंटेंट का, जिस तरह आपके हैंडआउट से पहले पेज में टेबल ऑफ कंटेंट मौजूद है, इस तरह से अगर आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं तो आप टेबल ऑफ कंटेंट पर करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना टेबल में बना सकते हैं, आपका थोड़ा ईजी हो जाता है। यहाँ से आपको बार बार जो है वो टेबल को ड्रॉ नहीं करना पड़ता, एक ही दफ़ा आप ड्रॉ करेंगे और उसके बाद अपना जो कंटेंट है या अपना जो चीज़ें हैं वो ऐड करते जाएंगे उसके अंदर। उसके आगे फुट नोट्स देखें, फुट नोट्स भी आपके सामने है, इस तरह की जो स्क्रीन होती है डेट इसके अंदर फुट नोट, इसके अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं फुट नोट, नेक्स्ट कर सकते हैं फुट नोट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, सॉरी मैं दोबारा जाता हूँ।
जी फुट नोट्स पे थे हम। उसके आगे मॉड्यूल नंबर 209 देखें, इसके अंदर आपको क्या बता रहा है, आपने क्या करना है एमएस वर्ड में प्रूफ ग्रुप किस तरह से क्रिएट करना है। तो इसके लिए आपका स्पेलिंग ग्रामर होता है, स्पेलिंग और ग्रामर आपको पता है, आप जब असाइनमेंट्स बनाते होते हैं तो आप अगर कोई बाय मिस्टेक स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो वो नीचे आपको अंडरलाइन कर देता है रेड कलर में, तो आपकी ये स्पेलिंग मिस्टेक होती है। इसी के साथ जब ग्रीन लाइन होती है वो आपकी ग्रामर मिस्टेक होती है, तो ये भी आपने याद रखना है। उसके आगे ट्रेजर देखें, टॉगल द डिस्प्ले ऑफ रिसर्च वर्ड टास्क पेन डिफॉल्टिंग द रिसर्च सर्विसेज टू द ट्रेजर्स। इसके अंदर ये एक्सेल की तरह बिल्कुल सेम होता है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, पेपर में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन एज अ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी याद रखें। वर्ड काउंट क्या होता है, एज अ वर्ड काउंट देखें, दिस डिस्प्ले द वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेइंग द डॉक्यूमेंट स्टैटिक्स, यानी डॉक्यूमेंट स्टैटिक्स जो होती है वो आपके अंदर वर्ड काउंट में जो है वो डिस्प्ले की जाती है। दिस रिप्लेस द वर्ड काउंट टूल बार वगैरह वगैरह ये रिप्लेस करता है, बाकी आप इसके खुद से रीड आउट कर लें, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एम एस वर्ड लैंग्वेज ग्रुप की बात करें तो लैंग्वेज आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जिस तरह अगर आपको पता है जो अगर आप चाइनीज़ लिखना चाहते हैं, जापानीज लिखना चाहते हैं, ये तमाम तो चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं, यानी अपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करवा सकते हैं। उसी के आगे चेक करें तो क्या कह रहा है आपको, कमेंट्स ग्रुप, कमेंट्स ग्रुप में क्या होता है आप कोई भी कमेंट दे सकते हैं, अगर आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो आप, जिस तरह मैंने बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह में भी कमेंट्स दिए हैं, आपके जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन बनाई है उसके अंदर भी मैंने कमेंट्स दिए हुए हैं, तो जो आपका जो PDF फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसके अंदर आप कमेंट दे सकते हैं। इसी तरह MS वर्ड में भी आप एक कमेंट की फैसिलिटी मौजूद होती है, आप अपने यहाँ पर कमेंट्स दे सकते हैं। कमेंट्स की भी मुख्तलिफ किस्म होती है, अगर आप कमेंट न्यू देना चाहते हैं तो आपने इसकी शॉर्टकट की याद रखनी है, न्यू कमेंट के लिए क्या होता है Shift+F2, ये ऐसा MCQ पूछा गया था 2020 में भी, ठीक है, तो Shift+F2 इसकी न्यू कमेंट देना चाहते हैं। अगर आप कोई कमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करेंगे और आप Ctrl+D दबाएंगे तो आपका कमेंट डिलीट हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस कमेंट में जाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप डिसेबल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट को जो कि नॉट कंटेन एनी कमेंट होता है, नेक्स्ट पर जाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट पर भी जा सकते हैं। 212 मॉड्यूल देखें तो इसके अंदर क्या कह रहा है, ट्रैकिंग एंड चेंजेस ग्रुप इन रिव्यू रिबन। अब आपने क्या करना होता है, अपना जो रिबन होता है इस तरह का रिबन आपके सामने मौजूद होता है स्क्रीन पे ट्रैकिंग का, इससे आप जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। अब ट्रैक चेंजेस की शॉर्टकट की क्या है, ये आपने शॉर्टकट की इसको लाजमी याद रखना है, ये आपके पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो पूछी जा सकती हैं 2 नंबर की। तो इसको ये देखें, ट्रैक चेंज का मतलब क्या होता है, Ctrl+Shift+E, ये इसकी शॉर्टकट की है, ये आपको MCQs में भी दे सकता है और आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। शो मार्कअप का मतलब होता है कि आपने क्या करना है, ड्रॉप डाउन कंटेन द कमांड इंसर्ट इंसर्शन एंड डिलीशन फॉर्मेशन मार्कअप हाईलाइट वगैरह वगैरह, ये आप मार्कअप में कर सकते हैं। रिव्यू पेन देखें तो बटन विद ड्रॉप डाउन द बटन टॉगल द डिस्प्ले ऑफ द रिव्यूइंग पेन वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें रिव्यू में की जाती हैं। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट का रिव्यू करना है तो आप उसे रिव्यू कर सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली है या वर्टिकल वगैरह वगैरह। एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, बटन विद ड्रॉप बॉटम द बटन इज एक्सेप्ट एंड मोव टू नेक्स्ट कमांड विच एक्सेप्ट द करंट पेज चेंज एंड मूव टू द नेक्स्ट प्रोपोस्ड चेंज। एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, आपने मूव और नेक्स्ट कमांड पे जाना है, तो आप एक्सेप्ट करते हैं अपने करंट पेज को और उसके बाद आप अपने नेक्स्ट कमांड पे चले जाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर आपका पेज खत्म हो गया तो आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो आपकी एक्सेप्ट कमांड ही काम कर रही होती है। रिजेक्ट कमांड का मतलब होता है कि आप बस एक ही पेज पे रहना चाहते हैं, अब आप नेक्स्ट कमांड को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। प्रीवियस का मतलब ये है कि अगर आप प्रीवियस डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हैं अपने एक्चुअल डॉक्यूमेंट से, तो आप प्रीवियस कमांड यानी कि आप बैकस्पेस दबाते जाएंगे तो आपका प्रीवियस डॉक्यूमेंट आ जाएगा, नेक्स्ट दबाएंगे तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ जाएगा आपका। मॉड्यूल नंबर 213 देखें, MS वर्ड है कंपेयर और कॉम्पेयर में क्या फ़र्क होता है ये बताएगा। कंपेयर कहते हैं ड्रॉप डाउन, यानी दिस ड्रॉप डाउन कंटेन द कमांड कंपेयर एंड कंबाइन। ओके, अब कंपेयर और कंबाइन देखें, द कंपेयर कमांड लेट यू कंपेयर टू वर्जन ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। अब आपका अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट में टू वर्जन अगर जोड़ना चाहते हैं तो अब आप कंपेयर कर देते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। इस तरह कंबाइन में भी यही होता है कि कंबाइन डॉक्यूमेंट में आप क्या करते हैं, यू कंबाइन रिव्यूज़ फ्रॉम मल्टीपल ऑथर्स एंड डिस्प्ले द कंबाइन डॉक्यूमेंट। अब अगर देखें फ़र्क इसमें आता होता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, कंपेयर का मतलब है कि दो चीज़ें अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं एक ही चीज़ मतलब एक ही राइटर की आप कंपेयर कर सकते हैं, कंबाइन में ये होगा कि आप मुख्तलिफ राइटर्स की चीज़ों को भी कंबाइन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ब्लॉक ऑथर्स का मतलब होता है कि प्रिवेंट रहें बचते रहें अदर फ्रॉम मेकिंग चेंजेस टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आपने कोई भी सिलेक्ट किया अपने टेक्स्ट को तो आप उससे ब्लॉक कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन वगैरह जा सकते हैं। उसके आगे आपके पास MS वर्ड व्यू रिबन, व्यू रिबन किसे कहते हैं, द व्यू रिबन कंटेन व्यूज ग्रुप,
या आपके पास व्यूज़ ग्रुप पे जो है वो डिपेंड करते हैं। इसमें आप जूम ग्रुप ले लें, विंडोज़ ग्रुप ले लें, ये तमाम चीज़ें इसकी एग्जांपल्स हैं। उसके आगे देखें तो रीड मोड क्या होता है। रीड मोड का मतलब होता है कि आपने कोई भी चीज़ को रीड आउट करना है। प्रिंट लेआउट का मतलब होता है आप अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अपने व्यूज़ को, अपने पेजेस को। वेब लेआउट अगर आप कोई वेब पेज बना रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको ऑनलाइन सबमिट करवाना है या ऑनलाइन आप उस पर वर्किंग कर रहे हैं तो ये आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक चीज़ को लिखा है और एक चीज़ को लिखने के बाद आपने उसको दरमियान में छोड़ दिया है तो वो आपका ड्राफ्ट होगा। रूलर का मतलब होता है टॉजल्स द डिस्प्ले द रूल, मतलब आपके जो रूलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं रूलर्स को। ग्रिड लाइन देखें तो आपको ये टॉजल करता है डिस्प्ले ऑफ गाइडलाइन ग्रिड लाइन सॉरी। नेविगेशन पेन देखें तो नेविगेशन पेन का मतलब होता है कि आप जिस तरह आपके जूम उसमें मोबाइल में भी सिस्टम नेविगेशन होता है, यानी कि तीन बटन्स होते हैं उससे आप बैक जा सकते हैं, होम पे जा सकते हैं। तो इस तरह से एमएस वर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट मैप्स वगैरह थंबनेल्स वगैरह नेविगेशन पेन में जाके जो है वो बना सकते हैं। जूम का मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, 100% जूम कर लें, 110% जूम कर लें, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। वन पेज मतलब होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वन पेज पे कंसिस्ट करता है, टू पेजेस पे कंसिस्ट करता है। और पेज विड्थ का मतलब है कि आपके पेज की विड्थ कितनी ज़्यादा है। न्यू विंडो पे आपने जाना है। इसके अलावा व्यू साइड बाय साइड है, स्क्रॉलिंग है, स्क्रॉलिंग है, ये तमाम चीज़ें बहुत ईजी हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप इसे खुद से एक दफ़ा रीड आउट लाजमी करें। MS Word PowerPoint, अब आपके यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो गया है। अब पहले वो MS Word था, अब ये MS PowerPoint है। तो यहाँ से ये एक दफ़ा इसको रीड आउट आपने करना है। सबसे पहले देखें MS PowerPoint होता क्या है। Microsoft offer together powerful tools, जो Microsoft है ये ऑफ़र करता है another powerful tool जिसका नाम MS PowerPoint है। This is used to develop presentations, ये आपका देखें ये MCQ आता होता है कि आपकी कौन सी चीज़ है जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो MS PowerPoint होता है ये मुख्तलिफ किस्म के आपके बिजनेसेस के अंदर भी इस्तेमाल होता है एज अ प्रेजेंटेशन, या अगर आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो आप जो है वो PowerPoint में रह के कर सकते हैं। इसका जो ओवरऑल मेन मेन्यू होता है वो आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है। इसी तरह से मेन मेन्यू होता है जिस तरह आपका MS Word का मेन मेन्यू होता है, यानी कोई फ़र्क भी इसमें नहीं होता। इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन वही है कि आपने जो है अगर न्यू स्लाइड बनानी है, रीसेट करना है, तो आप न्यू स्लाइड बना सकते हैं, लेआउट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीसेट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिज़ाइन रिबन मैंने भी आपको करवाया। डिज़ाइन रिबन के अंदर आप जाके डिज़ाइन मुख्तलिफ किस्म के सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप अपने टेक्स्ट को देना चाहते हैं। तो सारा काम वही है जो कि आपने पहले MS Word में कर लिया। अब यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा बहुत मैंने बताना है, बाकी आपने रीडिंग जो है वो खुद से एक दफ़ा कर लेनी है। अब आगे देखें ट्रेडिशनल रिबन क्या होता है। अ ट्रांजिशनल कैन बी सिंपल एज फेडिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि आपकी जो स्लाइड्स होती है ना, अब इसका मतलब है कि आपने ट्रांजिशन का सिंपल मतलब ये होगा कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो आप आई कैचिंग जो अफेक्ट है उसको इस्तेमाल करेंगे और पावर पॉइंट के अंदर इसको आप इजीली मेक करके नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएंगे। साउंड देखें, अगर आप कोई भी MS अपने डॉक्यूमेंट के अंदर साउंड लगाना चाहते हैं ना तो आप साउंड लगा सकते हैं। ये MCQ आता होता है कि अगर आप डॉक्यूमेंट में साउंड लगाना चाहते हैं तो क्या आप लगा सकते हैं, तो येस यू कैन डू इट, आप ये काम कर सकते हैं। उसके आगे ड्यूरेशन देखें, आप कितने ड्यूरेशन का साउंड लगाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, या आप अपने जो सेटअप है अपना डॉक्यूमेंट वो उसका ड्यूरेशन कितना रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल, अगर आप तमाम डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं कोई भी साउंड या कोई भी इफेक्ट तो वो भी आप कर सकते हैं। वन माउस क्लिक का मतलब ये होता है कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे वन माउस क्लिक से आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे भी जा सकते हैं। MS PowerPoint एनिमेशन रिबन, एनिमेशन रिबन का मतलब आपके सामने देखिए यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, ये लास्ट मॉडल के अंदर वो कह रहा है, मैं हमने आपको बताया कि एनिमेशन का मतलब होता है कि आप बिटवीन टू स्लाइड जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू एनिमेट टेक्स्ट इमेज शेप वगैरह वगैरह तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशन के ऑप्शन पर जाके इसको जब क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ग्रुप जो है वो जो लेक्चर है आपका या वो जो एनिमेशन आपका जो है डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल देखें, मॉड्यूल नंबर 220 है MS Excel। यहाँ से आपका जो एक नया टॉपिक है वो स्टार्ट हो गया और अब 234 तक आपका यही चलेगा, ठीक है। तो MS Excel में होता क्या, व्हाट इज़ द स्प्रेड शीट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्प्रेड शीट। स्प्रेड शीट किसे कहते हैं, स्प्रेड शीट वो शीट होती है जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम पर कंसिस्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा ये आपने ओवरऑल खुद से रीड आउट लाजमी करना है, ओके। तो ये देखें, अब यहाँ पर आपको बता रहा है पुराने ज़माने में इस तरह हम जो है वो काम किया करते थे स्प्रेड शीट पर। पुराने ज़माने में स्प्रेड शीट हम कंप्यूटर से निकाल लिया करते थे और बाय हैंड उसके ऊपर सारा काम बता हुआ करता था। यही सारी इसने यहाँ पर बताई भी है। अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट आ गई है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल स्प्रेड शीट और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट, ये बेसिक डिफरेंस आता होता है आपका।
तो आपने इसको याद रखना है। तो देखें सिंपल इसमें स्प्रेड शीट में ये फ़र्क था कि आप बाय हैंड काम करते हैं, इलेक्ट्रिक स्प्रेड शीट में ये फ़र्क है कि आपका सारा काम कंप्यूटर पर होता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इलेक्ट्रिक में। यही आपको बता रहा है नंबर ऑफ रोज पर और नंबर ऑफ कॉलम पर ये कंसिस्ट करती है वगैरह वगैरह। तो ये आपके यहाँ पर इसने एक्सेल की तस्वीर भी दिखा दी है। सेल फॉर्मेट देखें, आप सेल को किस तरह से बना सकते हैं, इसके अंदर आपको वो बता रहा है आप सेल की हाइट वगैरह क्या कर सकते हैं। आप चार्ट बना सकते हैं अपनी एमएस एक्सेल शीट पे, आप जो ग्राफ वगैरह है वो आपके एमएस एक्सेल में बन सकते हैं। क्रिएटिंग अ चार्ट, आपने किस तरह चार्ट क्रिएट करना है, यहाँ देखिए आप फॉर्मेट में जाएंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो चार्ट की वैल्यू में जाने के बाद इस तरह से आप जो अपना चार्ट है वो यहाँ पे एक सेल फॉर्मेट कर सकते हैं और चार्ट वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल वही मॉड्यूल है, उसके आगे देखें तो आप कह रहा है आप इंसर्ट टैब में जाएं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपके सामने चार्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करें और जिस टाइप का आप चार्ट बनाना चाहते हैं आप यहाँ से चार्ट वगैरह बना सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं। फंक्शन देखें, फंक्शन का क्या मतलब है कि आप मैथमेटिकल काम जिस तरह आपको बता रहे हैं कि आप मैथमेटिकल काम जो है वो सारा कर सकते हैं। इक्वल का साइन लाजमी डालना है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि एवरी नंबर या एवरी डिजिट स्टार्ट इन अ स्प्रेड शीट ऑफ द साइन इक्वल टू, तो ये इक्वल टू का साइन जो है इसके बगैर आपका कोई काम नहीं होता था, तो इक्वल टू साइन मस्ट है, इसके बगैर आपका काम नहीं होगा। ये हर दफ़ा एमसीक्यूज़ आता है, तकरीबन जब ये पहला जो पेपर था, जो पहला सिलेबस था उसके अंदर भी ये थोड़ा सा पार्ट इसका था, तो उसके अंदर भी एमसीक्यूज़ आ रहा था 2018-19 में भी और 2020 में भी एमसीक्यूज़ आया हुआ है। उसके आगे देखें, अगर आप बेसिक फार्मूला क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। तो देखें यहाँ पर वो आपको यही बता रहा है कि आपने क्या करना है, बेसिक फार्मूले के लिए इसको आपने इक्वल के साइन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये देखें, अगर आप सम का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो इक्वल टू सम फार्मूला जिस पे आप लगाना चाहते हैं, जिस पे आप क्लिक करना चाहते हैं, उस फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे और आपके सामने सम होकर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप काम जो है वो अपना इसमें कर सकते हैं। कैलकुलेट फंक्शंस, आप फंक्शन वगैरह भी कैलकुलेट इसके अंदर कर सकते हैं। उसके आगे एप्लीकेशन सिनेरियो वन है आपके पास, एप्लीकेशन क्या होता है, तो एप्लीकेशंस के अंदर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इसने जो बताया हुआ कि आफ्टर लर्निंग द फार्मूला इन द डिटेल लास्ट मॉड्यूल लेट अस दोज इन द रियल सिनेरियो कंसीडर द फिगर। अब आपको देखें कंसीडर, देखें ये वाली फिगर, इसे समझें। अगर आपने जिस तरह आपको बताया एमएस एक्सेल में अगर आप फार्मूला क्रिएट करना चाहते हैं या आप जो है वो एक रिजल्ट कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे जिस यहाँ पर जिस तरह इसने सेलेक्ट किया हुआ है, इक्वल टू सम डालेंगे, सम डालने के बाद जिस तरह ये सिलेक्शन पार्ट है सिलेक्ट करने के बाद आपके आगे ऑटोमेटिकली एमएस एक्सेल जो है वो लिख देगा और ऑटोमेटिकली लिखने के बाद आपके आगे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका फार्मूला के फार्मूले के तहत आपके पास जो ऐड होगा वो आ जाएगा। इस तरह से आप ये बता रहा है कि रो में भी कर सकते हैं और आप इस तरह से कॉलम में भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर इसने जो है वो आपको यहाँ पर कॉलम में करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सिनेरियो टू में क्या होता है। सिनेरियो टू में आपको ये बता रहा है कि आप अगर इसी तरह से स्टूडेंट्स के अलावा आपने कोई बिल कैलकुलेट करना है मुख्तलिफ नंबर्स के, मुख्तलिफ जो आपका होता है जो मीटर्स होते हैं बिल्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एक ही दफ़ा में, अगर आपने 1,000 करने हैं 1,00,000 करने हैं तो आप ईजिली अपने एम एस एक्सेल पर कर सकते हैं। तो यही आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है जो कि मैंने आपको बता दी है। रोज और कॉलम के बारे में आपको बता रहा है। सम का फार्मूला याद रखें, ये सम का फार्मूला है इक्वल टू सम B3 और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी रो या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली स्प्रेडशीट आपको वो दे देगा और ऑटोमेटिकली आपके पास सारा सम होकर आ जाएगा। ये कुछ फार्मूले हैं, ये आपने याद रखने हैं, ये फार्मूले आपसे बहुत पूछे जाते हैं, हाईलाइट कर दिए हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये मैक्सिमम का फार्मूला MAX होता है, एवरेज का फार्मूला इक्वल टू एवरेज होता है, मिनिमम का फार्मूला इक्वल टू मिनिमम होता है और इक्वल टू सम होता है सम का फार्मूला, तो इसको आपने याद रखना है। 224 पे देखें आपके सामने सॉर्टिंग और फिल्टर्स हैं। सॉर्ट करना किसे कहते हैं, सॉर्ट का मतलब ये होता है कि आपने मैनिपुलेट किया डेटा अपनी वर्कशीट के अंदर, ठीक है, और फिल्टर का मतलब होता है कि आपने बहुत बड़े डेटा में से कुछ स्पेसिफिक टाइप का डेटा अपना जो है वो रिट्राइव कर लिया, निकाल लिया। बेसिक सॉर्ट देखें, ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना है। 2 से 3 स्टेप्स हैं ये वाले जो ऊपर हाईलाइटेड हैं कि हाईलाइट द सेल्स डैट विल बी सॉर्टेड और इसके साथ साथ क्लिक द सॉर्ट एंड फिल्टर बटन ऑन द होम टैब। तो ये आगे नीचे आपको पिक्चर भी दे रहा है तो ये आपने एक दफ़ा खुद से लाजमी देख लेना है। उसके आगे देखें 225 पे एमएस एक्सेस की बात कर रहा है। इंट्रोडक्शन, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फिल्टर्स फाइल्स विच आर आल्सो रेफर्ड एज टेबल्स। डेटाबेस क्या होता है, ये कलेक्शन होता है फाइल्स का जो कि आपको रेफर करता है टेबल्स की फॉर्म में, इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है टेबल्स की फॉर्म में। यही सारी बात आपको बता रहा है कि अगर आप अपनी एम एस एक्सेल पर टेबल भी बनाना चाहते हैं तो आप टेबल भी अपना क्रिएट इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं ये वाले,
तो इनको आपने अच्छी तरह रीड आउट कर लेना, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है आपके पेपर में, तो इनको आपने जो है वो स्किप नहीं करना। ओके नेक्स्ट में चलें 227 पे। तो देखें यहाँ पर अब आ गया कि आपने फॉर्म्स वगैरह क्रिएट करने, जो आप अपना फॉर्म लेके आते हैं आपने यूनिवर्सिटी में जाने से पहले या कॉलेज में जाने से पहले एक फॉर्म फिल किया होता है, तो वो भी फॉर्म जो होता है वो आपका MS Excel शीट में ही बनता है, तो उसको आपने किस तरह क्रिएट करना है तो वो भी यहाँ पे सारा आपको बता रहे हैं। आप जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं, अगर आपने रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है या रिपोर्ट को तैयार करना है तो आप किस तरह करेंगे MS Excel में, तो ये भी आपने सारा जो है इसके अंदर पढ़ना है। स्टूडेंट की रिपोर्ट है उसको तैयार करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पे देखें इसमें जाएंगे, रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में जाने के बाद आप क्या करेंगे, एक आपके सामने स्क्रीन ओपन इस तरह की हो जाएगी, इस तरह से जाके आप जो है रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। 229 देखें, क्यूरी का मतलब क्या होता है, ये भी आपके पास एक आइकन होता है, तो क्यूरी विजार्ड का मतलब ये होता है कि अब आपने कोई भी क्यूरी वगैरह लिखनी है, क्यूरी का आपको मैंने पहले भी बताया, आप पढ़ चुके हैं, अगर आपने कोई स्टेटमेंट्स वगैरह लिखनी होती है जिसे हम क्यूरी कहते हैं, वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं इजिली। एज अ MS वर्ड भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें देयर आर 4 बेसिक क्यूरीज, ये भी आपने याद रखना है एज अ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, 4 बेसिक क्यूरीज होती हैं जो कि मैनिपुलेट करती हैं आपके डेटाबेस को, एक सेलेक्ट है, एक इंसर्ट है, एक अपडेट है और एक डिलीट है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपने खुद से आगे से पढ़ लेनी है, लेकिन आपने इनके माइंड को लाजमी याद रखना है, इनके नेम को आपने अपने माइंड में लाजमी रखना है। उसके अलावा देखें क्यूरी स्टूडेंट टेबल यूजिंग विजार्ड, अब ये भी आपको यहाँ पे स्टेप्स बता रहा है, स्टेप्स आपने एज अ लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लेने हैं। SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट MCQs है, 2020 में आया हुआ है ये, तो ये आप में आने के चांसेस भी हैं, तो इसको भी आप हाईलाइट कर लें अपने उसके हैंडआउट्स के अंदर। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि आपने जो है अगर स्टैंडर्ड क्यूरी की लैंग्वेज में, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में एक स्टैंडर्ड वे में देखना होता है, तो आप क्या करते हैं सिंटैक्स लेते हैं फॉर क्यूरिंग अ रैशनल डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड SQL। अब ये फीचर क्या करता है, आपको सिंटैक्स देता है, जनरेट करता है आपका एक सिंटैक्स SQL का, ये भी आपका एक डॉक्यूमेंट व्यू होता है जिसमें आप इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट तरह का क्यूरी को अपने डिज़ाइन कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू में लेके जा सकते हैं। इसी के साथ साथ इसका जो टेबल है आपने क्रिएट किस तरह करना है वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नोटपैड एडिटर। नोटपैड एडिटर ये भी आपका एक यहाँ से टोटली जो टॉपिक है वो चेंज हो गया है, सिर्फ 4 मॉड्यूल्स रह गए हैं। इसके अंदर आप क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, वेब पेज क्या होता है, व्हाट इज़ अ वेब पेज, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, तो इसको आपने अपने माइंड में रखना है। सारा जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इनको आपने लाजमी अच्छी तरह पढ़ लेना है, ठीक है। तो वेब पेज का मतलब होता है इज़ नथिंग मोर देन अ फाइल, वेब पेज कुछ भी नहीं होता, मोर देन अ फाइल, इंपॉर्टेंट MCQs है और लोग पता नहीं वेब पेज को क्या समझते हैं, तो ये यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए आपने इसको अच्छी तरह याद करना। वो कह रहा है वेब पेज होता है ये कुछ भी नहीं होता सिवाय फाइल के, HTML फाइल जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, इट इज़ कॉल्ड HTML बिकॉज वेब पेजेज डॉक्यूमेंट हैव द फाइल एक्सटेंशन .html और HTM। ये भी आता होता है कि वट इज़ द HTM या वट इज़ द HTML, या इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस है तो आपने बताना नहीं जी इन दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस मौजूद नहीं है। तो इस तरह से है। आगे एलिमेंट्स देखें, इसके एलिमेंट्स में क्या होता है, एक बात आपने याद रखनी है HTML में कि होता इस तरह कि आपने जिस तरह मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँ, अगर आप एक टैग को स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा टैग्स ही फॉर्म में लिखा जाता है, अगर आप एक टैग को ये देखें स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको हैश टैग से आप जो है वो ख़त्म करेंगे। आपके पास लिखा हुआ है ग्रेटर देन साइन के बाद जो लोअर देन और ग्रेटर देन के साइन है उसके दरमियान में HTML है एंड हैश टैग HTML। इसका मतलब ये है कि आपने पहले स्टार्ट किया और अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप हैश टैग डालेंगे और ख़त्म करेंगे। इस तरह से जो भी अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आपने उसे ख़त्म भी लाजमी करना है। तो ये आपका MCQs आता होता है कि आप HTML के अंदर अगर कोई चीज़ को या कोई किसी भी हेडर को ख़त्म करना है तो आप किस साइन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द हैश टैग साइन, ठीक है। तो यही सारा कुछ इसने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, एग्जाम्पल भी आपने इसने दी हुई है, इसको एक दफा रीड आउट कर लें, सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा इसमें से याद कर लें, बाकी आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल काम है आगे जाके आपने करना है। ड्रीमवेयर देखें, ड्रीमवेयर में भी आप क्या करते हैं HTML एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो है। तकरीबन 230 से लेकर 234 तक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे यहाँ से आपके पेपर में, बाकी सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो वेब आपका तकरीबन आप कह सकते हैं 170 से लेकर 234 तक आपका बहुत ज़्यादा पेपर पूछा जाता है MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन यहीं से आ रहे होते हैं ज़्यादातर, तो इसको लाजमी याद करें, बाकी भी फोकस करें लेकिन यहाँ से MCQ ज़्यादा आते होते हैं। तो HTML एडिटर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्रिएट करता है वेब पेजेस को, स्पेशलाइज्ड होता है। HTML एडिटर कैन ऑफर कन्वेंसेस एंड एडिट फंक्शनैलिटी, आप इसके अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल इसने आपको बताई हुई है, इसको आपने एक दफ़ा खुद से रीड आउट कर लेना है, कुछ समझ नहीं आएगी तो मुझसे कमेंट्स में भी पूछ लेना है।
डॉक्यूमेंट टूल बार क्या होता है, कंटेन बटन डैट प्रोवाइड ऑप्शन फॉर डिफरेंट व्यूज, ये बटन पे कंसिस्ट करता है जो कि आपको क्या करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट तरह के टूल्स वगैरह। मेन्यू और इंसर्ट बार क्या होता है, एक्सेस द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन विंडो कंटेन अ वर्कस्पेस व्हिच इज मेन्यू एंड अदर एप्लीकेशन बार टू डिस्प्ले द स्टैंडर्ड टूल बार, यानी कि अगर आपने कोई टूल बार को जो स्टैंडर्ड का टूल बार है उसको डिस्प्ले करवाना है तो आप मेन्यू और इंसर्ट से जाके करवा सकते हैं। कैसे करवाते हैं, यहाँ पर इसने आपको इसका सिंटैक्स भी यहाँ पर दे दिया, ठीक है। उसके आगे देखें डॉक्यूमेंट विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो आपके सामने शो होती है, वो डॉक्यूमेंट विंडो होती है जहाँ पे अपना जो टेक्स्ट है वो एडिट करते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, कोड दे सकते हैं, स्प्लिट कोड कर सकते हैं, कोड एंड डिज़ाइन भी होता है, लाइव व्यू भी आप कर सकते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ईजिली कर सकते हैं। 32 देखें तो वेब पेजेस की डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, आपने किस तरह से करना है, तो ये भी सिर्फ उसी पे बेस करता है फाइल्स पे, तो आपने इसको भी एक बार अपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, पिक्चर्स पे बेस करता है, यहाँ से पिक्चर का आपका मॉड्यूल नहीं आता। सेकेंड लास्ट मॉड्यूल आपका इंसर्टिंग लिस्ट, अगर आप कोई भी इंसर्ट करना चाहते हैं लिस्ट में तो आप HTML में वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह करना है ये आपका भी मसला नहीं है, सिर्फ आपने इसको सिर्फ पढ़ लेना है, आपने इसके अलावा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से देखें, बुलेट्स क्या होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, बुलेट्स का मतलब ये होता है कि आपने जो है वो 1-2 की फॉर्म में लिखना है, तो आप 1-2 की फॉर्म में अपनी लिस्ट को वेब पेजेस पे भी बना सकते हैं। और लास्ट मॉड्यूल आपका है वेब पेजेस डेवलपमेंट इंसर्टिंग इमेजेस, अगर आप वेब पेज के अंदर अपनी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, एडिंग इमेज इज़ वेरी इजी यूजिंग ड्रीमवेयर, यानी ड्रीमवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ड्रीमवेयर के तहत आप जो है वो अपना इमेज है उसको जो है वो कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ है यहाँ से भी कि एडिंग इमेज इज़ वेरी वेरी इजी यूजिंग ड्रीमवेयर, ये भी आपने याद रखना है। तो यहाँ तक आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है, आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछें, वीडियो अच्छी लगने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी यार लाजमी किया करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा कि फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी मैंने करवा दी है, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स का, वो जाके लाजमी देखें। और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2022-23 में मेरी ये वीडियोज़ देखेंगे उनके लिए भी यही है कि आपका सिलेबस अब चेंज नहीं होगा तो आपने फाइनल टर्म जो है वो लाजमी जो है वो देखना है, ठीक है। मुझे इजाज़त दें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।